दोस्तों अक्षय कुमार और धनुष और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे, जो कि पिछले साल ही इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, इस फिल्म के अपडेट लेकर हम आपके पास आ गए हैं। गौरतलब है कि फिल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं तो खुद अक्षय कुमार इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म के अंदर अक्षय कुमार खुद कैमियो भी करने वाले हैं, जबकि मुख्य लीड में हमें धनुष और सारा अली खान दिखाई देंगी। फिल्म की शूटिंग दोस्तों पिछले साल ही फ्लोर पर आ चुकी थी और इसके लिए पूजा भी शुरू कर दी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस फिल्म की शूटिंग में भी डिले हो गया था। अब गौरतलब है कि ये फिल्म पहले दोस्तों वैलेंटाइन डे को रिलीज़ होने वाली थी 2021 में, लेकिन फिलहाल अक्षय कुमार फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग में जुट गए हैं अतरंगी से पहले, क्योंकि अतरंगी रे अक्षय कुमार का खुद का प्रोडक्शन है। गौरतलब है कि इस फिल्म की शूटिंग में धनुष और सारा जल्द ही अब जुटने वाले हैं, लेकिन अक्षय कुमार फिलहाल इसके लिए अपनी डेट्स नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अक्षय को पृथ्वीराज चौहान की शूटिंग पूरी करनी है, साथ ही बेल बॉटम का भी अब काम उन्हें शुरू कर दिया है। ऐसे में अतरंगी रे थोड़ी सी डिले बताई जा रही है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि अक्षय कुमार अपने टाइम के पक्के हैं, तो उन्होंने इस बात की भी बता दिया है कि वो अतरंगी के लिए भी जल्द ही डेट फाइनल कर देंगे और अपने हिस्से की शूटिंग वो जल्द ही 10-15 दिन में ही पूरी भी कर देंगे। अक्षय कुमार की इस तेज़ गति के कारण ही अतरंगी के अब प्रोडक्शन हाउस से जुड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसका अलग लुक और टीज़र भी अब हमारे सामने जल्द ही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अतरंगी में धनुष और सारा के अलावा अक्षय कुमार को देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। फिल्म 2021 के 14 फेब को रिलीज़ होने की तारीख तय की गई है। देखना होगा कि सब काम समय पर पूरा हो जाता है या नहीं और जल्द ही रिलीज़ होने वाला टीज़र किस प्रकार का होता है। तो धनुष, सारा और अक्षय की ये फिल्म अतरंगी रे बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल करेगी दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आपको आने वाली हर खबर यहाँ मिले सबसे पहले।